बबीता फोगाट जब भी मुंह खोलती हैं जहर ये उगलती हैं। वैसे तो वो खिलाड़ी हैं, उनमें भावना खेल की होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन जब भी वो अपना मुंह खोलती हैं तो उसमें जहर ही उगलती है। पिछले दिनों तबलीगी जमात को लेकर उन्होंने जो बोला था आप सबने पढ़ा होगा, अभी राजीव गांधी को लेकर बोला है और आपने उसे भी देखा होगा। महिला हैं बावजूद जिस तरह की भाषा है और जो बोली है वह सिवाय लिंग के फर्क के जुबान में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। अगर उनका लिंग परिवर्तन हो जाए तो उनकी भाषा बिल्कुल मर्दों जैसी है और बदजुबानी किसी चढ़े हुए मर्द से भी बुरी है। ऐसे में उन्हें सोचना चाहिए कि अगर बोलना है तो कोई वाजिब बात बोले। वैसे भी उन पर यह किस्सा जिस थाली में खाया उसी में छेद किया सबसे फिट बैठता है। बबीता फोगाट जिसकी वजह से बबीता फोगाट बनी है उस आदमी का नाम आमिर खान है और धर्म मुस्लिम है, बावजूद वह मुंह खोलते ही मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती हैं। वह अब हरियाणा में खेल की सरकारी स्तर पर उपनिदेशक बन चुकी हैं, यानी राज्य सरकार ने उनको खेल उपनिदेशक बनाया है। खेल के बारे में कहा जाता है खेल वो होता है जिसमें जाति धर्म से आप ऊपर उठते हैं, एक टीम भावना होती है और टीम के साथ आप खेलते हैं, लेकिन पता नहीं पहलवानी करते हुए बबीता फोगाट की बुद्धि दिमाग से चल के सही मायने में घुटनों में अटक गई और जब से अटकी हुई है तब से वह बदजुबानी पर उतारू हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा के जो मर्द नेता हैं या जो महिला नेता बदजुबान हैं अगर उनकी परंपरा और पीढ़ी में वह आगे जाएंगी तो शायद उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाए। लेकिन यह कहावत भी कही जाती है कि काठ की हाँड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए पहलवान बबीता फोगाट को समझ लेना चाहिए कि यह बदजुबानी उनको भविष्य में राजनीति में बहुत आगे नहीं ले जाने वाली है। हमारे देश में वैसे भी जाति और धर्म के रगड़े पहले से नेताओं ने कम नहीं रायते फैला रखे हैं जिसको और फैलाने की ज़रूरत है। ऐसे में चाहिए ये कि अपनी बदजुबानी को वह कंट्रोल करें और कम से कम जिसके नाम पर उन्हें खेल रत्न मिला है राजीव गांधी, मतलब आप देखिए भाषा कि ऐसा भाला फेंका कि जाकर इटली में गिरा। यह मर्द जो है वह औरतों के बारे में बोलते हैं लेकिन एक महिला महिला के बारे में बोल रही है। यह मतलब इस तरह के जो संस्कार हैं वह बताते हैं कि पहलवानी के दौरान जो पारिवारिक और सामाजिक उनको ज्ञान मिलना चाहिए था समय रहते वह शायद नहीं मिल पाया, या अगर मिल भी पाया होगा तो उसकी कद्र नहीं वो कर पा रही हैं। उनको अपना भविष्य में करियर चूंकि भाजपा और उसके आसपास बनाना है इसलिए उन्हें लगता है कि यह बदजुबानी ही उनके काम आएगी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे नेताओं से हमारा देश भरा पड़ा है और अगर मुंह खोलेंगी जहर उगलेंगी तो फिर आने वाले समय में ऐसे अगर युवा नेता या युवा अधिकारी या जिस भी पद पर ये रहें अगर ये आगे आएंगी तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी को भी, समाज और टूटेगा और बटेगा। ऐसे में देश में कितने पहलवान पैदा हुए होंगे, हर रोज इस देश में लोग अखाड़ों में रहते हैं हजारों की संख्या में, कौन नाम लेवा है उनका, लेकिन आमिर खान ने कद्र दिया, इज्जत दिया और उनके जाहिर तौर पर वो सफलता पाई थी बबीता फोगाट, उन पर फिल्म बनाई और वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कद की एक नामी खिलाड़ी बन गई। जाहिर तौर पर इसमें सिनेमा का सबसे बड़ा योगदान है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मुसलमानों के प्रति उनका नज़रिया है और जो वृत्ति है कम से कम अब तो उन्हें शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तबलीगी जमात को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है साफ साफ कि इनका कोरोना फैलाने में कोई लेना देना नहीं है। अब कोरोना जिस हालत में है हम सब जान चुके हैं कि इसकी असल दोषी मोदी सरकार और उनकी नीतियां हैं। बावजूद जो तबलीगी जमात और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बदजुबानी की बबीता फोगाट ने, क्या उस पर वह माफी मांगेंगी, उनको शर्मिंदगी है? नहीं, वह और चौड़ी हो गई हैं और अब उससे आगे जाती हैं और वह कांग्रेस पर हमला करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर एक व्यक्तिगत कटाक्ष, जीवन का एक व्यक्तिगत कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि भारत से उन्होंने ऐसा भाला फेंका कि वह इटली में चला गया, यानी उनकी पत्नी सोनिया गांधी जो इस समय कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उनको लेकर यह बदजुबानी है। जो अभी राजनीति का र नहीं जानता है वह बदजुबानी में
बिल्कुल जो है ज्ञ तक पहुंच गया है, यानी मात्रा के आखिरी अक्षर तक वह पहुंच चुका है, लेकिन उसको अभी राजनीति का र नहीं पता है। यह राजनीतिक परंपरा हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है, यानी जो नेता अभी राजनीति में ककहरा पड़ रहे हैं वह बदजुबानियों में लगातार आगे जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि देश की 130 करोड़ जनता मूढ़ और मूर्ख है और उसको उल्लू बनाया जा सकता है और उसको किसी रूप में आप व्यवहार करें और वह मानने को तैयार होगी। इसलिए यह छवि जो मुंह खोलेंगी जहर उगलेंगी, समय रहते संभल जाना चाहिए, युवा हैं वो, और अगर नहीं संभलती हैं तो वैसे भी देश गर्त में जा रहा है जाति धर्म के, यह और आगे जाएगा। यह आप पर है कि आप उन्हें आदर्श नेता खिलाड़ी मानते हैं कि नहीं। कम से कम खिलाड़ी जैसी भावना तो बबीता खोगाट में कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि एक खिलाड़ी की भावना देश को समृद्ध करने की होती है, हर स्तर पर जाति और धार्मिक विद्वेष को खत्म कर एक टीम भावना, एक स्पिरिट होती है उसकी, जो कम से कम बबीता फोगाट में नहीं दिखाई देती।